नमस्कार दोस्तों, नॉलेज वेब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग वाटर प्रूफिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। कौन कौन से टाइप के वाटर प्रूफिंग है, बेसमेंट वाटर प्रूफिंग, फाउंडेशन वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल देखेंगे। व्हाट इज पॉजिटिव वाटर प्रूफिंग, व्हाट इज नेगेटिव वाटर प्रूफिंग, ये भी देखेंगे। वाटर प्रूफिंग ये प्रोसेस है जिसमें मतलब किसी भी बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट को उसको वाटर रेजिस्टेंट बनाने का, मतलब वाटर प्रूफ बनाने का, इसके लिए एक प्रोसेस है वाटर प्रूफिंग की। लोग अलग अलग कंडीशन में करते हैं, हर बिल्डिंग के अलग अलग सेक्शन को करते हैं, जैसे टेरिस हो गया, बाथरूम हो गया, सन पोर्शन हो गया, अलग अलग पोर्शन में हम लोग वाटर प्रूफिंग करते हैं। अभी टाइप्स ऑफ वाटर प्रूफिंग, इसमें कैसा है, टाइप्स ऑफ वाटर प्रूफिंग में मेरी टार फिल्ड वाटर प्रूफिंग, बिटुमिन मेम्ब्रेन है, ब्रिक बैट खुबा है, वाटर कोटिंग है, सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग है, क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग है, इंटीग्रल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड्स है, एक्रिलिक बेस्ड वाटर प्रूफिंग कोटिंग है, प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव कोटिंग है, इंजेक्शन ग्राउट्स है। अभी इसमें हम देखेंगे अलग अलग टाइप का एक पोर्शन दिखाया है, जैसे अभी देखिए फाउंडेशन में उसका वाटर प्रूफिंग करना है, बेसमेंट संगत पोर्शन का करना है, लिफ्ट पिट का करना है, बाथरूम्स का करना है, इसमें वाटर टैंक का करना है, टेरेस का करना है, टेरेस गार्डन अगर स्विमिंग पूल रहेगा तो उसका करना है, ऐसे हर चीज का इधर वाटर प्रूफिंग कैसे करते हैं ये थोड़ा एक एडवांस में दिखाया है। ये फाउंडेशन वाटर प्रूफिंग, बेसमेंट वाटर प्रूफिंग, बाथरूम किचन बालकनी छज्जा वाटर प्रूफिंग, टेरेस गार्डन स्विमिंग पूल वाटर प्रूफिंग। अभी फाउंडेशन वाटर प्रूफिंग, फाउंडेशन वाटर प्रूफिंग बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है बिल्डिंग स्ट्रक्चर का, क्योंकि इसमें अपने को ज्यादा केयर लेना पड़ता है, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसमें कंस्ट्रक्शन बिल्ट अपॉन फाउंडेशन मेनली कैसे, अलग अलग टाइप के फाउंडेशन अपने रहते हैं, उसके हिसाब से आपको वाटर प्रूफिंग करना पड़ता है, और उसका स्ट्रेंथ और लाइफ ऑफ द बिल्डिंग और हाउस जो भी रहता है वो फाउंडेशन के ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो मेनली कंसर्निंग प्रॉब्लम फाउंडेशन का क्या रहता है, डैम्पनेस मतलब गीलापन आता है, और वाटर लॉगिंग पानी जमा होना, ये मेन मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम रहते हैं। तो मॉइस्चर इन द सॉइल मतलब सराउंडिंग जो मिट्टी रहते हैं उसके अंदर का मॉइस्चर, वो भी एक इशू है फाउंडेशन के लिए, क्योंकि वो बाद में फाउंडेशन में सीप, बेसमेंट में सीप होता है, और मेनली मोल्ड फॉर्मेशन के लिए या फिर थोड़ा लीकेज के लिए डेंजर रहता है। अभी हम कुछ स्पेशल मेथड्स है बिल्डिंग फाउंडेशन के वाटर प्रूफिंग के, उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस प्रोसेस मतलब फाइन सैंड से, इसमें मेनली कैसा रहता है, फाउंडेशन ड्रेनेज सिस्टम रहता है, एक बेसिक सेटअप है वाटर प्रूफिंग का, मेनली परफोरेटेड पाइप्स रनिंग अलोंग पेरीमीटर्स ऑफ फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन पेरीमीटर से लाइन में वो परफोरेटेड पाइप्स लगाते हैं, और उसका आउटलेट जो है आउटसाइड ऑफ सनलाइट और प्लेस, मतलब वाटर जहां अपने को बाहर निकालना है उधर एक सम बनाते हैं, और वहां उसका पानी मतलब पंप आउट करते हैं। ये सिस्टम किसी भी टाइप के वाटर कंटेमिनेशन को प्रोटेक्ट करता है, वाटर कंटेमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ये परफोरेटेड पाइप्स मेनली लेयर्स में, ग्रेवल्स के लेयर्स में डालना चाहिए। ये ऑल्सो ये एक जो लेयर रहता है फैब्रिक बैरियर का, वो भी अच्छी तरह से लगा करके, उसके सॉइल लेयर लगाने से पहले वो फैब्रिक मतलब फैब्रिक बैरियर का एक लगाना, लेयर लगाना पड़ता है। ये जो फैब्रिक और ग्रेवल्स रहते हैं ये पाइप्स को क्लॉगिंग होने से बचाते हैं पाइप के, इसमें साइड में आप स्केच देख रहे होंगे, ये पूरा ग्रेवल्स का ही दिख रहा है, ये पाइप्स है। इसमें जैसा है बिफोर लेइंग मतलब ड्रेन सिस्टम लेइंग करने से पहले वाटर को सॉल्यूशन उसको ऐड कर अप्लाई करना पड़ता है एक्सटीरियर वॉल के। अभी इसमें देखिए डैम्प प्रूफ कोर्स, डैम्प प्रूफ कोर्स मतलब हॉरिजॉन्टल बैरियर है वॉल स्ट्रक्चर में, और मेनली उसका क्या है
मॉइस्चर जो भी आता है वो फाउंडेशन को रोकना उसका मेन पर्पज है, मतलब स्ट्रक्चर में आने से रोकना उसको। इसमें कैसा है, लेयर्स वॉल्स दो पार्टीशन के लिए और लोअर बेयरिंग वॉल के लिए एक जो लेयर्स अप्लाई करते हैं। इसका प्रोसेस देखिए आप डैम्पनेस डीपीसी का डैम्प प्रूफ कोर्स मेनली के क्लीन मतलब डैम्पन जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको पूरा क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद 15 सेंटीमीटर हाईएस्ट ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी लेवल रहता है वाटर स्प्लैशेस उसको कहाँ तक क्लीन करना है, उसके बाद सीमेंट कॉन्क्रीट या सुटेबल वाटर प्रूफिंग कंपाउंड जो भी रहेगा वो ऐड करना है उसको 1:1.5:3 में। इसमें 25 mm थिकनेस का एक लेयर अप्लाई करना है और उसके बाद जो मिक्सर हार्ड होने के बाद मतलब जो हार्डन होता है उसके बाद एक सीलेंट सॉल्यूशन लेयर मतलब हॉरिजॉन्टली 4 आवर पीरियड के बाद वर्टिकली अप्लाई करना। ये पूरा पूल विड्थ में अप्लाई करना है पूरा वॉल और फाउंडेशन के बेसमेंट में, वॉल्स और फाउंडेशन ऑफ बेसमेंट। इसमें बेसमेंट और फाउंडेशन मेनली रिक्वायर मतलब मोस्ट सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो वहाँ के जो वाटर प्रूफिंग की वजह से वाटर लीकेज की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें कैसे पानी अलग अलग वॉल स्पेसेस में आ सकता है, वेट डैम क्रिएट कर सकता है, इसके लिए ये थोड़ा मतलब कुछ अलग स्पेल आ सकता है, कुछ अलग टाइप का एटमोसफेयर हो सकता है, गीलापन आने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, गंदा स्मेल भी आ सकता है। इसमें मेनली अगर ये इस इशू को अगर डैम्पनेस को ध्यान नहीं दिया तो वाटर लॉगिंग से वो आ सकता है। ये मेनली प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है मेनली बेसमेंट की और इसको फाउंडेशन के लिए थ्रीट हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए भी धोखा हो सकता है जो लोअर लेवल में इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके लिए। इसके बाद ही ये लाइफ मैकेनिज्म के लिए भी थ्रीट हो सकता है बिल्डिंग का और पूरा रस्टिंग या फिर फेल्यूर हो सकता है, टोटल होल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी ये खतरा है। अभी नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव वाटर प्रेशर हम स्केच में देख रहे हैं, ये नेगेटिव वाटर प्रेशर ये पॉजिटिव वाटर प्रेशर बाहर से जो आ रहा है नेगेटिव अंदर से जा रहा है पॉजिटिव। ये मेनली टू मेथड्स यूज्ड इन बेसमेंट वाटर प्रेशर मेनली पॉजिटिव एप्लीकेशन ऑफ सेम साइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव मतलब उसमें अपोजिट साइड वाटर प्रेशर स्केच के हिसाब से। मेनली पॉजिटिव वाटर इसमें कैसा है, सराउंडिंग पेरीमीटर ऑफ द बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो एक्सकैवेट करते हैं उसमें पूरा लेयर वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन लगाते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेयर में। ये मेनली पूरा प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर कॉज ऑफ प्रॉब्लम वाटर प्रेशर का है फ्रॉम आउटसाइड ड्यूरिंग मॉनसून, उसके लिए ये यूज करते हैं। और नेगेटिव में कैसा रहता है, ये मेनली एक्सट्रीम कंडीशन वहां दूसरा कुछ सोल्यूशन नहीं है वो समय ये नेगेटिव यूज कर सकते हैं। इसमें ध्यान में रखना है कि मटेरियल यूज ये मेनली परमिएबल और नहीं है और मेनली स्ट्रक्चर के लिए कुछ हार्मफुल ना हो, ये मेनली रिलायबल नहीं क्योंकि इसमें जो वाटर आता है वो प्रूफिंग लेयर में और फ्लेक्सिबल नहीं रहता और प्रेशर ये नहीं हो सकता उसका हैंडल नहीं हो सकता पूरा मतलब नॉट एज फ्लेक्सिबल इनफ टू हैंडल दैट मच प्रेशर। इसके बाद ये ट्रेंड है कि मेनी कॉन्ट्रैक्टर कुछ लोग ऐसे यूज करते हैं क्योंकि ये जो फास्टर एप्लीकेशन बट ये अवॉइड करना जरूरी है और पॉजिटिव एप्लीकेशन ज्यादातर लेने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन बेसमेंट जहाँ रहता है वहाँ कोटा या पत्थर स्टोन टाइल्स जैसे लोग यूज करते हैं या फिर शाबाद स्टोन भी यूज कर सकते हैं विद इंजेक्शन ग्राउटिंग भी यूज कर सकते हैं। अभी लिफ्ट पीट और संकन प्रक्रिया नेगेटिव कॉमनली यूज कॉमनली बिटवीन प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर और सराउंडिंग एरियाज यहाँ एक्सकर्ट नहीं कर सकते हैं उधर हम लोग नेगेटिव वाटर प्रूफिंग यूज कर सकते हैं क्योंकि साइड का हम एक्सकर्शन नहीं कर सकते और ये डिसमेंटल करना
लिफ्ट प्रेशर के लिए भी, लिफ्ट के स्ट्रक्चर के साइड का भी लेयर रहता है। लेयर्स ऑफ वाटर प्रूफिंग सोल्यूशन अप्लाइड फ्रॉम इनसाइड, अंदर से हम लोग वाटर प्रूफ करते हैं। इंजेक्शन ग्राउटिंग, ये टाइप का एक प्रोसेस है जिसमें क्रैक्स फिलिंग, वॉइड्स ऑफ अनिफॉर्म फिलिंग वॉल लेयर्स का, ये सब रहता है। ये एक टाइप से रिस्ट्रेंथन ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, जो भी डैमेज हुआ स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना उसके लिए करते हैं। ये ग्राउंड जनरली लिक्विड प्लेस पर फ्लो रहता है जो इजीली फ्लो होता है और निग्लिजिबल सिंकेज टू फील द वॉइड्स, मतलब इजीली फ्लो होता है और वॉइड्स फील करता है, जॉइंट्स फील करता है और क्रैक्स फील करता है और उसका प्रेशर यूज करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउट मटेरियल यूज इन डिफरेंट केस, मतलब अलग टाइप के ग्राउट मटेरियल अलग अलग केसेस में हम यूज कर सकते हैं। ओरिजिनल वॉल मटेरियल और नेचर ऑफ सराउंडिंग वॉल के ऊपर डिपेंड रहता है। टाइप्स ऑफ ग्राउंड कैसा है, पॉलीमर, पॉलीस्टर, इपॉक्सी, विनाइल स्टार, पॉलीयुरेथेन, एक्रिलेट्स, मेनली अलग अलग टाइप के एंटी सीपेज और अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। फाइबर एंड पोस्ट, फाइबर एंड पोस्ट मतलब पॉली प्रोपिलीन स्टील ग्लास फाइबर्स मिक्स सीमेंट के साथ यूज मिक्स किया हुआ, मेनली फ्रैक्चर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए और रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए और डक्टिलिटी, वॉल की डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। सीमेंट स्टैंड, ये मोस्ट पॉपुलर ग्राउंड है क्योंकि इकोनॉमिकल भी है और इजीली अवेलेबल भी है और नॉट इफेक्टिवली स्ट्रांग, मतलब ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन गैस फॉर्मिंग, एल्यूमिनियम और कार्बन पाउडर बेस्ड फॉर्म ग्राउंड विथ सीमेंट लेकर, ये गैस फॉर्म जो रहता है मटेरियल रिएक्शन प्रोसेस की वजह से ये ग्राउंड मिक्सचर और अनरीचेबल क्रैक्स, मतलब जहां जहां अनरीचेबल क्रैक्स है उधर ये गैस फॉर्मिंग का यूज होता है। ये बहुत फास्ट प्रोसेस है और एक्सपर्ट्स की जरूरत है ये प्रोसेस फॉलो करने के लिए या फिर यूज करने के लिए। सल्फो एल्यूमिनेट, सल्फो मतलब ये जो एंड्राइड्स विदाउट वाटर जो रहते हैं ये सीमेंट में यूज करके इंजेक्ट किए जाते हैं वॉल्स में, ये मेथड में क्यूरिंग की जरूरत है, मतलब वाटर की जरूरत रहती है, ये हार्ड होने के बाद में क्यूरिंग की जरूरत है। ये मिक्सचर रहता है वो बाद में एक्सपांड होता है और सब टाइप सारे टाइप्स के वॉइड्स फील करता है। ये मेथड जो है गैस फॉर्मिंग मेथड से बेटर है और इजी है। इस प्रकार से अलग टाइप के ग्राउटिंग में देखा है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।